मौनी चिड़िया अपने दो बच्चे मिन्नी और मन्नू के साथ रहती थी। सर्दियों का मौसम भी आने वाला था। मौनी चिड़िया अपने बच्चों को घर में ही रखती थी। मिट्टू तोता उसके घर आता है और कहता है, मौनी चिड़िया चलो भोजन लेने चलते हैं, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, भोजन इकट्ठा भी करना है, जंगल से दूर गाँव में जाना पड़ेगा और थोड़ा समय भी लगेगा। मौनी चिड़िया मिट्टू तोते से कहती है, मिट्टू भाई क्या तुम मेरे बच्चों को अपने घर पे रख लोगे? तुम्हारे बच्चों के साथ ये रह लेंगे? अरे मेरे बच्चे तो नानी के गए हैं, मैं तो नहीं ले जा सकता इन्हें अपने घर। मौनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों घर में अच्छे से रहना, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, झगड़ा मत करना। माँ हम भी आपके साथ जाएंगे। मौनी चिड़िया दोनों बच्चों को लेके कालू कवे के घर जाती है। कालू कवे जी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगे? मुझे जंगल से दूर गांव में जाना है, आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं इन्हें अकेले छोड़ के नहीं जा रही हूँ। अगर आप दोनों एक दिन के लिए मेरे बच्चों को रख लेंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। भूरी कवी कहती है, एहसान कैसा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। मौनी चिड़िया मिट्टू तोते के साथ चली जाती है। भूरी कवी का बेटा थोड़ा शरारती था, वह दोनों बच्चों से चिढ़ रहा था। माँ ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं, मुझे ये दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मिन्नी कहती है, आंटी ये कुकु इतना क्यों चिढ़ता है हमसे? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये अभी छोटा है ना, और इसका कोई दोस्त भी नहीं है, हमारा कुकु घर पर ही रहता है, तुम परेशान मत हो, तुम सब बच्चे साथ खेलो, हम अभी आते हैं। कुकू ने सारा भोजन खा लिया जो भूरी कवी ने सब बच्चों को दिया था। जब दोनों वापस आते हैं तो मिन्नी कहती है, कुकू ने हमें बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया, मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा ये लो, तुम दोनों ये खा लो। अगली सुबह मौनी चिड़िया लौट आती है और कहती है, बच्चों ने परेशान तो नहीं किया, तुम्हारे बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इन्होंने। मन्नू कहता है, माँ कुकु तो बहुत ही खराब है, उसने मिन्नी और मुझे भोजन नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं बेटे, वो अभी छोटा है ना, वह तीनों अपने घर आ जाते हैं। कालू कौवा और भूरी कवी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, सभी पक्षी अपने घरों में सुरक्षित छिपे हुए थे। कालू कौवे का घर थोड़ा कमजोर था जो कि आंधी में टूट गया। कुकू बिना घर के ठंड में कप कपाता रहा। कुकू बहुत तेज तेज रोने लगा। मौनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवे का तो घर टूटा गया है, वह वहां पे जाती है और कुकू को अपने घर ले आती है। कुकू को भोजन देती है और कहती है, जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता और कालू कौवा और भूरी कवी नहीं आ जाते, तब तक आप यहीं रहोगे। मिन्नी मनु देखो, कुकू भैया को अपने पास बुलाओ और साथ साथ रहो। मनु कहता है, कुकू भाई तुम परेशान मत हो, तुम तो हमारे भाई जैसे हो, तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। कुकू दोनों से माफी मांगता है, कहता है, मन्नू भैया मैंने आप दोनों को भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। मिन्नी कहती है, माँ ने हमें कहा था कि तुम्हारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे पर तुम्हें हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना है, इसलिए हमने ऐसा ही किया। कालू कौवा और भूरी कवी भी बचते बचाते लौट आते हैं और कुकू ने जो हुआ वो बताया।
वह दोनों मौनी चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।